स्वागत है आपका आईटी सिंपलीफाइड इन हिंदी पर। और हम कैश मेमोरी के वीडियो में ये स्लाइड पहले भी देख चुके हैं और हम जानते हैं कि कोई भी डेटा या प्रोग्राम पहले सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है, फिर सेकेंडरी मेमोरी से वो रैम में जाता है और रैम से कैश मेमोरीज के थ्रू होते हुए वो अपने सीपीयू के कोर में पहुंचता है। सेकेंडरी मेमोरी मतलब आपका हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी। इससे नीचे भी एक मेमोरी होता है जिसे कि टर्शरी मेमोरी कहते हैं, जैसे कि आपका पेन ड्राइव या फिर नेटवर्क से कोई डेटा लेना, तो ये सारे डेटा को टर्शरी मेमोरी के अंदर रखा जाता है। सीपीयू डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता, सीपीयू को रैम के थ्रू होते हुए सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस करना होता है। अब मान लीजिए कि आपके सेकेंडरी मेमोरी में एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, तो जब वो एग्जीक्यूटेबल फाइल सेकेंडरी मेमोरी में होता है तो वो डोरमेंट स्टेट में होता है। ऐसा समझिए कि एक कोई जानवर है जो कि सोया हुआ है आपके सेकेंडरी मेमोरी पर, लेकिन जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करते हैं वो रैम में आ जाता है और अपनी शक्ल बदल लेता है। शक्ल बदल के वो प्रोसेस बन जाता है और फिर वो प्रोसेस सीपीयू पर जाकर एग्जीक्यूट होता है। प्रोसेस का जो एक शक्ल बोलेंगे कि प्रोसेस रैम में जिस तरह से रहता है वो बिल्कुल अलग होता है उससे जैसे कि वो सेकेंडरी मेमोरी पर एज ए एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल एक नॉर्मल फाइल के फॉर्म में होता है, जबकि जो प्रोसेस जो कि रैम में पहुंच गया होता है वो एक प्रोसेस के फॉर्म में होता है और उसको रैम में कुछ अलग ढंग से मैनेज किया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो आपका रैम है वो या तो जरूरत से ज़्यादा बड़ा हो जाता है और मोस्ट ऑफ द रैम का स्पेस खाली रह जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने अपने सिस्टम में 64 GB का रैम लगा रखा है और उसमें मोस्ट ऑफ द रैम खाली है, ऐसा भी कभी कभी केस होता है। और दूसरा केस ऐसा होता है कि आपके सेकेंडरी स्टोरेज पर तो जगह है लेकिन रैम काफ़ी छोटा है और सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जितना रैम चाहिए उतना रैम सीपीयू को नहीं मिल पा रहा है। ये दोनों तरह के केसेस अराइव होते हैं। तो क्या होता है, पहले केस में आते हैं कि अगर आपका रैम बहुत बड़ा है और पूरा रैम इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, तो आप जितना रैम इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है उसके कुछ पार्ट को आप हार्ड डिस्क की तरह यानी कि सेकेंडरी मेमोरी की तरह यूज कर सकते हैं। अब कहिए कि इसका फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा कि आपको हार्ड डिस्क से फिर डेटा को रैम में लोड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो डेटा आपका रैम में ही मौजूद होगा जिसे कि आप हार्ड डिस्क की तरह एक्सेस कर रहे थे। रैम को हार्ड डिस्क की तरह एक्सेस करने के इसी प्रोसेस को हम लोग रैम डिस्क कहते हैं। मतलब रैम के जितने पार्ट को आपने डिस्क बना दिया है वो ही रैम डिस्क है। अब बात यह है कि रैम डिस्क बनाते कब है और रैम डिस्क बना के क्या फायदा है। देखिए, फायदे से पहले मैं आपको एक नुकसान बता देता हूँ। क्योंकि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है और कंप्यूटर के ऑफ होने के बाद रैम पूरी तरह से खाली हो जाता है, तो अगर आप कोई रैम डिस्क बनाते हैं तो कंप्यूटर के खाली होने के बाद वो रैम डिस्क पूरी तरह से खाली हो जाएगा। तो एक्चुअली आपको एक एग्जांपल लेकर मैं बताता हूँ कि रैम डिस्क कहाँ पर यूजफुल हो सकता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप एक वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, तो वीडियो एडिटिंग के समय कई सारे टेम्पररी फाइल्स जनरेट किए जाते हैं आपके वीडियो एडिटर के द्वारा और वो हार्ड डिस्क पर स्टोर किया जाता है। तो हर बार जब भी आपका वीडियो एडिटर कोई टेम्पररी फाइल जनरेट करेगा तो उसे रखना तो सेकेंडरी स्टोरेज पर है, लेकिन बार बार सेकेंडरी स्टोरेज को एक्सेस करना आपके वीडियो एडिटर को स्लो कर देगा। उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप एक रैम डिस्क बना सकते हैं और उन टेम्पररी फाइल्स को आप रैम डिस्क पर रखने के लिए बोल सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर काम करते समय जो टेम्पररी फाइल जहां पर स्टोर करता है उसे उस सॉफ्टवेयर का स्क्रैच डिस्क कहा जाता है। तो अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर का स्क्रैच डिस्क अपने रेंडम एक्सेस मेमोरी को बना दें तो फिर वो सॉफ्टवेयर फास्ट काम करेगा, क्योंकि वो टेम्पररी फाइल जनरेट करना और टेम्पररी फाइल को रीड करना दोनों ही काम काफी इफिशेंटली कर पाएगा। रैम डिस्क बनाते समय होता कुछ ऐसा है, जैसे कि आप जानते होंगे, थोड़ा बहुत अगर आप जानते होंगे कंप्यूटर साइंस के बारे में तो आपको मालूम होगा कि सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग एक फाइल सिस्टम इंस्टॉल करते हैं जैसे कि FAT32, NTFS एक्सेट्रा। अगर वही फाइल सिस्टम रैम के कुछ पार्ट पर इंस्टॉल कर दिया जाए तो वो रैम डिस्क बन जाता है। और विंडोज की बात करें तो विंडोज में जैसे आपको सी ड्राइव डी ड्राइव वगैरह दिखाई दे रहा होता है, रैम डिस्क बनने के बाद विंडोज में ठीक वैसी एक ड्राइव दिखाई देगा और वो ड्राइव आपका रैम डिस्क होगा। तो नॉर्मली जैसे आप किसी भी ड्राइव में कुछ सेव करते हैं तो उस रैम डिस्क के ड्राइव में भी आप कुछ सेव कर पाएंगे और वहां से रीड राइट कर पाएंगे, लेकिन रैम डिस्क से रीड राइट करना काफी ज्यादा फास्ट होगा, क्योंकि एक्चुअली रीड करने का मतलब क्या है, सेकेंडरी मेमोरी से डेटा प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम में लेके जाना और
आपका तो सेकेंडरी मेमोरी ही प्राइमरी मेमोरी है, तो डेटा एक्चुअली यहाँ से यहाँ आना है, तो इसी मेमोरी में सिर्फ लोकेशन ट्रांसफ़र होना है। इसलिए ये डेटा ट्रांसफ़र काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा और काफ़ी बेहतरीन ढंग से आप काम कर पाएंगे। अब दूसरे केस में आते हैं, मतलब आपके पास रैम थोड़ा कम है, बहुत सारे प्रोसेसेज एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उन्हें रैम में मेंटेन करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ रैम की ज़रूरत है उतना तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करते हैं कभी कभी कि सेकेंडरी स्टोरेज के कुछ पार्ट को रैम की तरह कंसीडर कर लेते हैं और जो काम रैम में होना चाहिए वो काम सेकेंडरी स्टोरेज में हो रहा होता है। मतलब रैम में हम जानते हैं कि प्रोसेस का शक्ल बदल जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज में तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है और रैम में जाकर प्रोसेस बन जाता है, उसकी शक्ल बदल जाती है, लेकिन उसी बदले हुए शक्ल पर चूंकि हमारे पास रैम में जगह नहीं था तो उस एग्जीक्यूटेबल फाइल के उसी बदले हुए शक्ल को जो कि प्रोसेस के रूप में है अब हम सेकेंडरी स्टोरेज में भी उसके कुछ पार्ट्स को सेव करने लगते हैं, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज का स्पीड सेकेंडरी स्टोरेज का ही स्पीड होगा, वो रैम की स्पीड से मैच नहीं कर सकता। ये मत समझिए कि ऐसा अगर आप कर दोगे सेकेंडरी स्टोरेज को रैम की तरह यूज करने लगोगे तो रैम की तरह फास्ट हो जाएगा, नहीं, सेकेंडरी स्टोरेज का स्पीड हमेशा सेकेंडरी स्टोरेज का ही स्पीड रहेगा, वो रैम का स्पीड कभी नहीं हो सकता। तो अगर रैम की जगह पर आप यहाँ पर प्रोसेसेस को स्टोर कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको सेकेंडरी स्टोरेज के लिमिटेशन से होकर गुजरना होगा और ऐसा लगेगा जैसे कि आपका रैम स्लो हो गया है, लेकिन अगर आप रैम को सेकेंडरी स्टोरेज की तरह यूज कर रहे हो तो लगेगा कि आपका सेकेंडरी स्टोरेज फास्ट हो गया है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर है जिसमें काफ़ी सारा रैम बचा रह जाता है तो आप उसे सेकेंडरी स्टोरेज की तरह यूज कर सकते हैं, और उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं और उन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके आप अपने रैम को सेकेंडरी स्टोरेज की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है और उसे सिर्फ 4 GB रैम ही नज़र आ रहा है और आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया है 16 GB रैम, तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि जो आपका रैम है वो तो 4 GB का है लेकिन चलो बाकी बचे हुए 12 GB को मैं डिस्क की तरह इस्तेमाल कर लूं, तब आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो रैम ऑपरेटिंग सिस्टम को दिखाई ही न दे उसका रैम डिस्क भी नहीं बनाया जा सकता। रैम डिस्क उसी रैम का बनाया जा सकता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को दिखाई दे रहा हो। तो अगर आपके पास 64-bit का ऑपरेटिंग सिस्टम है और आप में सपोज दैट 16 GB रैम है, उसमें से 8 GB हमेशा खाली रह जाता है, तो आप 8 GB का रैम डिस्क बना सकते हैं। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि रैम डिस्क का डेटा कंप्यूटर के ऑफ होने के साथ ही डिलीट हो जाता है, तो इसलिए कंप्यूटर को ऑफ करने से पहले आपके रैम डिस्क में जो भी आपने काम किया है उसे आपको पहले सेकेंडरी स्टोरेज में सेव कर लेना होगा, नहीं तो बिना सेव किए अगर आपने सिस्टम बंद किया तो फिर कहानी खत्म। हालांकि रैम डिस्क बनाने के कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे आते हैं जो इस चीज़ को मैनेज करते हैं, जैसे कि वो क्या करेंगे कि आपके रैम डिस्क का एक अलग से इमेज बना लेंगे और कंप्यूटर के शटडाउन होने से पहले वो उस इमेज को पहले सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर कर लेंगे, फिर कंप्यूटर को शटडाउन होने देंगे, और जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो आपके बूटिंग प्रोसेस के साथ ही आपके रैम डिस्क के इमेज को पहले वो रैम में स्टोर करेंगे और फिर आपका बूटिंग कंप्लीट होगा। लेकिन इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज करने का प्रॉब्लम ये है कि आपका बूटिंग टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कंप्यूटर दिन भर में काफ़ी ज़्यादा बार बूट नहीं करना है, सपोज दैट 2 बार ही बूट करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बूट होने में 5 मिनट भी लगता है तो क्या ज़्यादा है, उसके बाद तो जो 4 घंटे में उस पर काम करूँगा वो तो फास्ट होगा। तो मेरे हिसाब से एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर को यूज करके जो कि आपके रैम डिस्क का एक इमेज बनाए और ऑफ होने से पहले सेकेंडरी मेमोरी पर रख दे, ऑन होने के साथ ही उस इमेज को रैम में लोड करें, ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ काम करना कुछ ज़्यादा बुरा नहीं है मेरे हिसाब से। और दूसरा, रैम डिस्क बनाने का कुछ ऐसा भी सॉफ्टवेयर आता है जो इस तरह से लोडिंग अनलोडिंग नहीं करता है, या फिर कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी आते हैं जिसमें आपको डिस्क इमेज बनाना है कि नहीं बनाना है अपने रैम डिस्क का आप सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो बनाओ, चाहो तो मत बनाओ। तो चलिए सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं प्रैक्टिकली और रैम डिस्क बनाते हैं। चलिए सबसे पहले दिस पीसी डायरेक्टरी को ओपन किया जाए, तो ये रहा आपका दिस पीसी डायरेक्टरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक ही ड्राइव है, सी ड्राइव, जो कि बहुत छोटा है, सिर्फ 237 GB यहाँ पर फ्री दिखा रहा है, 256 GB का मैंने ये लिया था और 237 GB दिखा रहा है। आइए अब देखते हैं कि मेरे रैम का क्या कंडीशन है। टास्क मैनेजर में जाते हैं और परफॉर्मेंसेज में जाते हैं, और यहाँ पर जो मेमोरी है वो मेमोरी 4.4 GB फ्री है, सॉरी 4.4 GB यूज हो रहा है,
बाकी 5.5 GB फ्री है। तो यहाँ पर अवेलेबल मेमोरी आप देख सकते हैं 5.5 GB, मतलब मैं चाहूँ तो 5 GB तक का रैम डिस्क आराम से बना सकता हूँ। तो चलिए सबसे पहले वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं जिससे कि रैम डिस्क बनना है। इंटरनेट पर जाइए और टाइप कीजिए डाउनलोड AMD Radeon रैम डिस्क, इंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पर आप फर्स्ट लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर जाइए। मैं इस लिंक को वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि किस तरह का सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है। अप टू 4 GB का अगर आप रैम डिस्क बनाना चाहते हैं तो वो फ्री है। इसमें डायनेमिक लोड एंड सेव आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको डायनेमिक लोड एंड सेव चाहिए तो आपको ये वाला खरीदना होगा कम से कम। इसमें अप टू 12 GB है। फिर इन्हेंस टेक्निकल सपोर्ट इसमें नहीं मिलेगा, एडवर्टीजमेंट्स इसमें मिल सकते हैं और बाकी सब वही है। फिर अलग अलग साइजेस के रैम डिस्क बनाने के लिए आपको अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी और सबकी प्राइसिंग अलग अलग है। अब ऐसा नहीं है कि सारा सॉफ्टवेयर पैसे देकर ही मिलता है, लेकिन अगर आप इस सॉफ्टवेयर को सर्च करें सॉफ्ट परफेक्ट रैम डिस्क तो आ गया ये। अगर आप इसको डाउनलोड कर लें तो ये भी अच्छा है, डाउनलोड फ्री ट्रायल। मुझे लगता है कि ये भी पूरी तरह से फ्री नहीं है, आपको इसे भी खरीदना पड़ेगा। लेकिन चूंकि जो AMD होता है वो ज़्यादा रिप्यूटेड है, इसलिए मैं AMD के साथ ही जाऊंगा और मेरा काम तो 4 GB में चल जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आपको ज़्यादा साइज का रैम डिस्क बनाने की ज़रूरत हो, आपके पास 64 GB का रैम हो, तो वैसा रैम डिस्क सॉफ्टवेयर आपको खरीदना पड़ेगा। मैं तो इसे फ्री वाले को डाउनलोड कर लेता हूँ और इसे मैं सेव कर लेता हूँ डाउनलोड्स में। 7.9 MB का था, 8 MB का लगभग। क्लिक करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। आई एक्सेप्ट इंस्टॉल, यस। और इस तरह से आपका Radeon रैम डिस्क इंस्टॉल हो रहा है। तो Radeon रैम डिस्क मेरे कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो चुका है और इसे मैं लॉन्च करता हूँ, अभी फिनिश करता हूँ। डू यू वॉन्ट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस ऑन योर डिवाइस, यस। ये आपका आ गया Radeon रैम डिस्क। यहाँ पर क्लिक करते हैं नो थैंक्स, अभी मुझे बाय नहीं करना। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपको रैम डिस्क कितने साइज का चाहिए, तो चलिए मैं 4 GB का रैम डिस्क बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर बस 4000 लिखता हूँ, 92 छोड़ देता हूँ। 4092 मतलब एक्चुअल 4 GB होता है, लेकिन मैं 4000 ही लिख रहा हूँ। जो डिस्क बनेगा वो जेड ड्राइव होगा और आपको डिस्क का लेवल क्या सेट करना है, तो डिस्क का जो लेवल होगा, जो ड्राइव का लेवल होगा, उसका नाम होगा रैम डिस्क। अगर कोई टेम्प डायरेक्टरी अगर आपको उस डिस्क में क्रिएट करना है बनने के साथ ही, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चलिए मैं भी चेक कर देता हूँ। और लोड सेव का ऑप्शन है कि अगर आप चाहें तो सेव डिस्क इमेज एट शट डाउन। जैसे ही आपका कंप्यूटर शट डाउन हो, जो रैम डिस्क का इमेज है वो आपके ड्राइव पर सेव हो जाएगा। कहाँ पर सेव होगा? सी ड्राइव में सेव होगा और उसका नाम होगा ramdisk.img। बैकग्राउंड अपडेट चाहिए तो यहाँ क्लिक कर दीजिए। और सिस्टम के बूट होने के साथ ही आपको क्या चाहिए, क्या आप सेव्ड रैम डिस्क इमेज को ही लोड करना चाहेंगे, तो यहाँ चेक कर दीजिए। और अगर आपको सिस्टम के बूट होने के साथ ही एक नया रैम डिस्क क्रिएट करना है, तो यहाँ चेक कर दीजिए। हालांकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपना डिस्क इमेज सेव करूँ, तो मैं इन दोनों ऑप्शंस को कट कर देता हूँ, क्योंकि हर बार मुझे एक नया रैम डिस्क चाहिए। यहाँ पर कुछ इवेंट लॉग्स हैं, कुछ अदर ऑप्शंस हैं, जैसे डू नॉट क्रिएट बैकअप फाइल व्हेन सेविंग डिस्क इमेज, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर ये डिस्क इमेज लोड नहीं होता है तो मैक्सिमम कितने देर तक आप अपने बूटिंग को रोकना चाहेंगे, आपके कंप्यूटर के बूटिंग को, क्योंकि अभी मैंने बताया कि कंप्यूटर के ऑन होने के साथ ही आपका डिस्क इमेज भी लोड हो सकता है। तो अगर लोड ना हो तो कितने मैक्सिमम देर तक आपको वेट करना है। फिर और भी सारे ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर है। जो भी है, इतने ज़्यादा ऑप्शंस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम अब रैम डिस्क क्रिएट करते हैं। स्टार्ट रैम डिस्क। वुड यू लाइक टू इंस्टॉल दिस डिवाइस सॉफ्टवेयर, यस। इंस्टॉल Radeon रैम डिस्क ड्राइवर स्टार्टेड सक्सेसफुली। अब जरा मैं जाता हूँ फिर से माई पीसी डायरेक्टरी में। माई पीसी पर जाते हैं और यहाँ पर देखिए आपके पास
यहाँ पर 4GB का एक ड्राइव क्रिएट हो गया है, और ये ड्राइव रैम से है। ये ड्राइव कोई हार्ड डिस्क का ड्राइव नहीं है, ये ड्राइव रैम का ड्राइव है। अगर मैं फिर से अपने रैम के परफॉर्मेंस को देखूँ तो देखते हैं कि फिलहाल रैम का क्या हाल चाल है। परफॉर्मेंस में जाते हैं और मेमोरी में जाते हैं, तो मेमोरी अभी यूज हो रहा है 8.1 GB। अभी भी मेरे पास खाली जो स्लॉट है 1.8 GB का है। तो यहाँ पर मैंने अपने मेमोरी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया है। अब क्या हो कि मेरे पास मेमोरी तो 6 GB का था और मैं 4 GB का रैम डिस्क क्रिएट कर दूँ, तब क्या होगा? उस केस में रैम डिस्क क्रिएट करने पर आप अपने 6 GB में से 4 GB ऐसे ही ब्लॉक कर दोगे रैम डिस्क के लिए, और कंप्यूटर को एक्चुअली एग्जीक्यूट होने के लिए जितने रैम की जरूरत थी आप कंप्यूटर को उससे काफी कम रैम दोगे। उस केस में क्या होगा कि आपका सिस्टम फास्ट होने के बदले स्लो हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर के जो मैनेजमेंट प्रोसेसर हैं उन्हें तो जरूरत थी एटलीस्ट 4 GB रैम की, और आप उन्हें दे रहे हो 2 GB रैम, बाकी के 4 GB रैम का आपने रैम डिस्क बना रखा है, तो ये बहुत ही गलत डिसीजन होगा आपका। आप सिर्फ खाली जो रैम बचता है उसी पर रैम डिस्क बनाइए। रैम डिस्क बनाने के लिए आप जो फिल्ड अप रैम है उसका इस्तेमाल कभी मत कीजिए। अगर आपके पास खाली रैम नहीं बच रहा है तो आप रैम डिस्क मत बनाइए। अब आइए कुछ फाइल्स को यहाँ पर रैम डिस्क में सेव करते हैं। यहाँ पर वीडियोस डायरेक्टरी में, ये वीडियोस डायरेक्टरी रहा, यहाँ पर एक फाइल है, इसे जरा मैं कॉपी करूँ। इस फाइल का साइज जरा मैं आपको बता दूँ, इस फाइल का साइज है 178 MB। इसे मैं सेव करूँगा अपने रैम डिस्क में, और देखिए यहाँ पर टेम्प नाम का फोल्डर बन गया है। मैं चाहूँ इसे यहाँ भी सेव कर सकता हूँ, पेस्ट कर दीजिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हार्ड डिस्क का फाइल रैम में सेव करना है। ओके, तो यहाँ पर आप मेरे रैम में ये फाइल है, और फाइल का एक और लोकेशन है, जरा मैं ओपन करके आपको दिखाऊँ। ये आपका सेव है यहाँ पर वीडियोज में, आ गया यहाँ पर वीडियोज में ये सेम फाइल सेव है। अभी मैं एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँगा, वो सॉफ्टवेयर आपके SSD से रीड राइट करने की स्पीड को मापेगा और रैम डिस्क से रीड राइट करने की स्पीड को मापेगा। तो आइए उस सॉफ्टवेयर को जरा देखते हैं। उस सॉफ्टवेयर का नाम है पार्क डेल सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर रहिए सॉफ्टवेयर का लिंक, इसे भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और चलिए इसे डाउनलोड कर लेते हैं फॉर विंडोज। लाइनक्स में भी रैम डिस्क बनाया जा सकता है, काफ़ी आसान है। अगर आप कहोगे तो मैं लाइनक्स में भी रैम डिस्क बना दूंगा। यहाँ पर एक्चुअली मैंने पार्कटेल ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो और उसे डाउनलोड करके मैंने एक्सट्रैक्ट भी कर रखा है, तो चलिए उसी एक्सट्रैक्टेड फोल्डर में जाते हैं। ओपन करते हैं, फिर से डाउनलोड्स में जाते हैं, और ये रहा आपका पार्कटेल। यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए इस फाइल पर, यही एग्जीक्यूटेबल फाइल है, और अब आपको रीड राइट का स्पीड मापना है, यही करना है ना। तो आप क्या कीजिए कि फाइल एक्सेस पर क्लिक कीजिए, फिर आप दिस पीसी में जाइए, दिस पीसी में वीडियोज में, वहाँ पर वो फाइल है, ये फाइल है 178 MB का, इस पर क्लिक कीजिए और देखिए रीड स्पीड 438.9 MBPS। ये डिस्क से मैं रीड कर रहा हूँ। ओके, जब भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो शायद आपको थोड़ा अलग अलग रीड स्पीड दिखाई दे, क्योंकि हर बार रीड करने में सेम टाइम नहीं लगता, लेकिन हाँ एक रेंज में ही आपको दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर 2000 हो जाए, एक रेंज में ही आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ पर दिखाई देगा रीड स्पीड। अब जाते हैं रैम डिस्क में। रैम डिस्क में एक डायरेक्टरी है टैम्प, उस टैम्प में मेरा फाइल है, यहाँ पर क्लिक करते हैं। ओके, अब रीड करते हैं, स्पीड देखिए कितना है, 1436.9 MBPS, क्योंकि ये सीधा रैम से रीड हो रहा है, और ये जो आपका डिस्क पर जो फाइल है वो फाइल SSD से रीड हो रहा है। तो SSD का स्पीड देखिए, और फिर आप अपने रैम डिस्क के फाइल के स्पीड को देखिए, रीड करने का स्पीड कितना है। फिर सोचिए अगर आपके वीडियो एडिटर को इसी फाइल को रैम से रीड करना हो, और जो टेम्पररी फाइल बन रहा हो उसे वीडियो एडिटर रैम पर ही राइट कर रहा हो, तो वीडियो एडिटर का काम कितना फास्ट होगा। और फाइनली आप क्या करेंगे लास्ट में, कि जो भी रैम पर आपका वीडियो का एक्सपोर्ट फाइल सेव होगा उसे आप लेकर के हार्ड डिस्क पर सेव कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि पूरे वीडियो एडिटर को ही रैम डिस्क पर इंस्टॉल कर देते हैं, और ऐसा सेटिंग कर देते हैं कि हर बार रैम डिस्क
जब भी सिस्टम शटडाउन हो तो हर बार रैम डिस्क डिस्क पर सेव हो जाए, हार्ड डिस्क पर या एसएसडी पर सेव हो जाए और सिस्टम के बूट होने के साथ ही रैम डिस्क वापस से रैम में आ जाए। कुछ लोग इस सेटिंग के साथ रखते हैं और अपने सॉफ्टवेयर्स को ही रैम डिस्क पर इंस्टॉल कर देते हैं। इस तरह का सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होते समय काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है, लेकिन हाँ, इस तरह का सॉफ्टवेयर चूंकि आप बार बार बूटिंग के साथ उसे डिस्क से रैम पर ला रहे हैं तो आपके सिस्टम का बूटिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन बूटिंग 1 घंटे में 4 बार तो करना है नहीं। बूटिंग ज्यादा से ज्यादा आप दिन भर में 2 या 3 बार करेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे तो, कुछ लोग तो 3-4 दिन पर एक बार बूटिंग करते हैं सिस्टम का। तो अगर बूटिंग आपके लिए कोई इशू नहीं है और रैम आपके पास ज्यादा है तो आपको रैम डिस्क का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और फिर से मैं आपको बता दूं कि रैम डिस्क का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब आपके पास एक्स्ट्रा रैम अवेलेबल हो। ऐसा नहीं कि आपके कंप्यूटर को एग्जीक्यूट होने के लिए 4 GB रैम की एटलीस्ट जरूरत हो और उसी में से आपने 2 GB रैम का रैम डिस्क बना दिया है, फिर आपका कंप्यूटर फास्ट होने के बदले स्लो हो जाएगा। और इसलिए स्लो हो जाएगा क्योंकि उसे सफिशियंट अमाउंट में रैम नहीं मिलेगा, फिर वो डिस्क को ही रैम बनाने लगेगा। तो इस तरह की गलती आप मत करना, क्योंकि जब भी आप रैम डिस्क बनाते हो तो आप रैम के एक पार्ट को ऑपरेटिंग सिस्टम से छीन लेते हो, फिर बचे हुए रैम पर ही ऑपरेटिंग सिस्टम को अपना काम करना होता है। और जब बचा हुआ रैम उसके लिए सफिशियंट नहीं पड़ता तो फिर वो हार्ड डिस्क को रैम की तरह यूज करने लगता है। तो सोचिए ये कितनी फनी और बुरी बात है कि आपके पास रैम तो था 4 GB, लेकिन 2 GB का आपने चूंकि रैम डिस्क बना लिया है, इसलिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे सही में रैम की जरूरत थी, अब वो डिस्क को रैम की तरह यूज कर रहा है। ये फनी नहीं हो गया? आप ही अपना काम डिस्क पर कर लो ना, क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम से आप डिस्क यूज करवा रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आप जान गए होंगे कि रैम डिस्क क्या है, कब इस्तेमाल करना चाहिए, कब फायदेमंद है, कब नुकसानदायक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए IT सिंप्लीफाइड इन हिंदी। धन्यवाद।